बोलिए सर, मूर्खों की टोली बना के रखा है जो अनुमानित करेगा? क्या भैंस चला के गया मास्टर बना, या भैंस चला के आया वहाँ का वीडियो सीओ जो कहेगा अनुमानित वोट? ये कौन बोलते हैं अनुमान? ये आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि महिला पुरुष सभी लोग हैं। ये सनहा उत्तरी है और ये सायपुर कमाल प्रखंड का एक पंचायत है, सनहा उत्तरी। यहाँ हम अभी आए हुए हैं और यहाँ जो शिकायतें हैं लोगों की, वो अगर आप सुनेंगे तो आपके पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव, काउंटिंग हो गए, जीत की घोषणा भी हो गई, लेकिन क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? हम बात करते हैं, यहाँ इतने सारे जनता अगर खड़े हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बात है। हम सबसे पहले बात करते हैं आपसे, चूँकि आप यहाँ उम्मीदवार के प्रतिनिधि थे जी, तो बताइए कि समस्या क्या है? समस्या यही है कि मनोज जी जनता के बीच बोल रहे थे कि कितनों जनता इसको वोट देगा, दे देगा, लेकिन हम जीतबे करेंगे। तो इनका पहले से सेटिंग था, विजय कुमार, विजय किशोर सिंह, वो प्रखंड शिक्षक हैं, बीएलओ हैं, वो अपने चूज के मुताबिक वहाँ काउंटिंग के रूम में भी आदमी को ले गए, काउंटिंग रूम में भी ले गए, और इतना फास्टली ही काउंटिंग का सारा मशीन को खोले, और जितना इतना काउंटली फास्टली है ना दस्तखत करा करके वो 15 से 20 मिनट में हमने काउंटिंग एजेंट को निकाल दिया और कहा कि 300 से हार गए। बाहर में आने के बाद 79 वोटों का घोषणा हुआ। घोषणा कितना का हुआ? 79 वोटों का, हार जीत का। हवा क्या बनाया गया? 300 का। 300 का, अच्छा समझे ना। तो अंदर में 300 का हवा बनाया तो हमारा एजेंट निकल गया। उसके बाद कहे कि जाओ रिकाउंटिंग के लिए, तो वो लोग बोलने लगे, उसको अंदर जाने ही के लिए नहीं मिला, तो रिकाउंटिंग का बात नहीं हो सका, लेट हो गया। आप वहाँ पे मौजूद अधिकारी से बात किए थे उस समय? बाद में गए, एक दो घंटा के बाद किसी तरह से अंदर गए तो डीएम साहब को कहे, तो डीएम साहब उस पर कोई रिस्पांस नहीं लिए। वीडीओ साहब या चुनाव पदाधिकारी किन्हीं को कहे तो कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पांस नहीं लिए। गड़बड़ी क्या है, मूल गड़बड़ी क्या है? अभी जो है उसको जो वोट हुआ उसका जो अकाउंट जो गया है वहाँ, उसमें 7154 गया है, रिजल्ट होता है सिर्फ 7050 पर। अच्छा, तो यही कहानी है। हाँ, 104 वोट गया तो कहाँ गया, जो कि तीन बूथ पर या मैनेज किया गया। तीन बूथों की शिकायत है? हाँ, तीनों बूथ पर। तीन बूथ की शिकायत है, कौन कौन सा बूथ है? बूथ नंबर हाँ, हमारे पंचायत के अनुसार पाँच नंबर वार्ड, और 11 और 14। ये आप वार्ड बता रहे हैं कि बूथ नंबर बता रहे हैं? ये वार्ड नंबर बता रहे हैं, 11 में जो है, 11 ए में है, ए में है। और हमारे पास एक है, हमारे पास भी है, जिसमें बूथ नंबर बताया जा रहा है कि 5, 70 ए और 73 ए। ये तीन बूथों में काउंटिंग की समस्या हुई, समस्या गड़बड़ी हुई है। तो हुआ तीन बूथ में हुआ है ना, जिसमें 104 वोटों का, 104 वोटों का अंतर है तीन बूथ पर, एक बूथ पर नहीं, तीन बूथ पर है। या वोट गया कहाँ, बोले वोट कहाँ गया? आपका मांग है कि 104 लोग जो वोट किए वो गया कहाँ? हाँ, वो कहाँ गया, कहाँ गया? आपका क्या विचार है इस पर? प्रचार हुआ, चुनाव आयोग को फिर से समीक्षा करना चाहिए, चाहे इस मतलब धांधली में जो भी लोग संलिप्त है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और इस तरह के धांधली कभी ना हो, ऐसा हम लोग सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं। और रही बात 104 वोटों का, 104 वोट, 104 जनता का इमोशन इसमें जुड़ा हुआ, ये सिर्फ वोट का सवाल नहीं है। जब वोट अपना मत देता है, मत का दान का मतलब होता है अपने मन का दान, और 104 के मत का दान का मतलब धांधली हुआ, ये बहुत बड़ा अन्याय है। हम लोग यही डिमांड करते हैं, लोकतंत्र की हत्या हुई है, इस पर विचार किया जाए, सिस्टम इस पर निरीक्षण करें। क्या कहना है इस गड़बड़ी को लेकर? सर, गड़बड़ी को लेकर तो हम तो मतदान कर्मी बने हुए थे वहाँ एजेंट की तरह, जब जाने के बाद पहले ही हमको गेट पर जो है ना पुलिस कर्मी ने ऐसे करके धक्का मार, हाँ दो आदमी से ज़्यादा नहीं, ऐसे धक्का मारा था। हम कहे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे हमको मतदान पर्ची है, हम वहाँ बनाए हैं, चार कैंडिडेट को जाना है। तो बोले कि नहीं, दो आदमी जाएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे लग रहा था कि वहाँ कुछ ऐसे मैनेजिंग टाइप का, जैसे धक्का मारना, सनहा उत्तर का नाम लिया गया तो सारा स्टाफ एकदम कंसस्ट थे।
इस तरह से, ठीक है। ईवीएम का मतलब हुआ कि जब हम मतगणना कर्मी गए थे तो ईवीएम को मेरे सामने खोलने का उनका हकदारी था, तो मेरे साथ एक और दो मेरे सामने ही खुला था और सारा 1900 बूथ का एक बार ही खोल दिया गया था। ऐसा तो होना नहीं था क्योंकि मेरे आंखों के सामने होता। जिस ईवीएम को हम देखे नहीं, उस पर कैसे हम फॉर्म पर सिग्नेचर कर देते। मैंने 3-4 फॉर्म पर नहीं सिग्नेचर किया। अच्छा जी, उसके बाद भी हम कहने गए सर देखिए हमको सर फिर से दिखाया जाएगा, तो कोई स्टाफ उधर भाग जाते थे, कोई उधर भाग जाते थे, इस तरह की घटना होती थी। पहले खोल के बूथर ईवीएम पहले खुला हुआ था हमारे कैंडिडेट के। अच्छा, आपके पहुंचने से पहले? जी, पहले उधर का बाहर। वक्त क्या होगा, समय क्या होगा? समय लगभग 2:30 बज रहा था। 2:30 बजे तक आप लोग नहीं पहुंचे थे वहाँ काउंटिंग में? नहीं, काउंटिंग में के रूम में वहाँ थे, लेकिन ईवीएम ये लोग पहले खोल के रखे हुए थे। जो ऐसा रूम बना हुआ था वो रूम पूरा चौखुट्टा बना हुआ था, ऐसे पुलिस ऐसे पहले रखे हुए। तो हम तो जहाँ सर ईवीएम को कम से कम एक ईवीएम में 5 मिनट समय लगती थी, एक ईवीएम को वोट गिनने में 5 मिनट का समय, तो आप जोड़ लीजिए 1975 मेरा काउंटिंग 20 मिनट में खत्म हो गया। 95 मिनट। क्या तो, आपको क्या लगता है 104 लोगों के वोट की गिनती नहीं होने की बात कही जा रही है? देखिए, जो ऑफिशियली अभी डाटा है, हाँ, वो डाटा और वहाँ गिनती जो हुई ईवीएम खुल के, दोनों हाँ, में कंट्राडिक्शन है, यानी हिंदी में कहते हैं समन्वयन। समन्वयन तो था नहीं, दोनों वोट इक्वल होना चाहिए, वो नहीं था। दूसरा बात था कि जहाँ गिनती हो रही थी गन्ना हॉल में, वहाँ पर ऊपर से सीसी कैमरा था, उस कैमरा का फुटेज निकाला जाए, हमसे पहले वो ओपन था, सब बैड इसमें था, गुड कंडीशन में नहीं था ईवीएम, बैड कंडीशन में सब खुला हुआ था। फुटेज भी सर, वो फुटेज को देखा जाए कि हम 7 बजे से ही उस ग्राउंड में, यानी कि जेडी कॉलेज के ग्राउंड में अनाउंसमेंट हुई 2:40 में कि सना उत्तरी पंचायत की गिनती होगी, जो गन्ना एजेंट है उस रास्ते से आइए। वहाँ गए तो हम लोगों को धक्का मार के पुलिस के द्वारा 2 आदमी को निकाल दिया गया कि अभ्यर्थी ही होगा, 2 और होगा अभ्यर्थी के साथ, दो व्यक्ति होगा, जबकि मुझे परमिट यहाँ पर मिला हुआ था, अभ्यर्थी और निर्वाचित पदाधिकारी कार्यालय से भी मिला हुआ था, तो जाने भी नहीं दिया। और ईवीएम गुड कंडीशन में था, इसलिए हम मांग करते हैं कि वो सीसीटीवी का फुटेज निकाला जाए कि हमारा गुड कंडीशन में था या बैड कंडीशन में था, लोगों के बीच क्लियर हो जाए, तब तक उनको वित्तीय अधिकार से रोका जाए जब तक ये औपचारिक फैसला नहीं हो जाए कि ये हुआ क्या। बाबा, आप वोट गिराने जाते हैं, हाँ, आपका वोट का गिनती नहीं होगा तो आप वोट गिराइएगा ना? फिर फायदा क्या है? गिनती न होते तो वोट गिरा फायदा क्यों ले? आपके पंचायत में ही कहानी निकल करके आई सामने, हाँ, आपको क्या लगता है? ये तो डकैती हुआ, सीधे डकैती हुआ। हाँ, डकैती हुआ, डकैती हुआ। तो क्या कहना चाहिएगा सरकार से? सरकार से लड़ करके फरियाना चाहिए, कहाँ क्या है डकैती हुआ, कैसे बेईमानी किया। शोभा जी, आपका तो बहुत अच्छा सिचुएशन था, अचानक मतलब जीते जीते रह गए, क्या कर? अंदर में भी हमको बोला गया कि आप जीत गए, तो हम तब, और कुछ स्टाफ बोलता है कि नहीं भगवती का कृपा होगा तब जीतिएगा, और बोल रहा है हाँ आप जीत गए हैं। उसके बाद जब ये लोग देखा और बाद अथी पर हुआ तो हम निकल गए लास्ट में। तो क्या पता था? अब वोट में कह रहे हैं लोग कि 104 वोट की गिनती नहीं हुई। हाँ, वो सही, 104 मेरा वोट का कोई पता ही नहीं है। क्या कहना चाहते हैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी? क्या हमको फिर से रिकाउंटिंग होना चाहिए? कितने बूथ का? 3 बूथ का। तीने बूथ का ना गड़बड़ी है? 3 बूथ का। हाँ, 3 बूथ का। हाँ, अच्छा ठीक। अच्छा सर, आपसे बात करते हैं, ये बता दीजिए कि ये लोग जो वोट गिराते हैं उसकी क्या अहमियत रह गई अभी के समय में? वोट गिराने का तो कोई अहमियत नहीं है, जनता के अधिकार का ये हनन हुआ है। जनता जिसको वोट दी है वो प्रतिनिधि का सही सही आकलन नहीं आया है चुनाव अधिकारी की तरफ से, विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से। मैं तो कहीं गया नहीं, अपना वोट गिराने जब 11:30 में गया तो हमसे पहले आधार कार्ड मांगा गया, आधार कार्ड दिखाए, उसके बाद हमको फोटो लेने के लिए और
थम इम्प्रेशन, उसके बाद आधार कार्ड थम इम्प्रेशन तीन चार बार हमरा लिया। थम इम्प्रेशन के साथ फिर हमको आधार कार्ड के साथ हमरा फोटो लिया गया और तब हमको अलाउ किया कि आप आगे बढ़िए, वोट आप गिरा जा सकते हैं। ठीक है, इस परिस्थिति में हमको करीब करीब 4-5 मिनट लग गए उसके बाद हमको आगे वोट देने के लिए। और जब हम पूछे बाहर निकले तो कहा कितना अभी तक पोल हुआ इस बूथ पर, तो मालूम हुआ कि मात्र 200। हम कहा मिडिल स्कूल सान्हा बूथ जो 11 नंबर वार्ड है और 12 नंबर वार्ड है, वहाँ हो गया 600 की 1200 वोट दोनों बूथ पर। तो कहा वहाँ कोई फोटोग्राफी नहीं होता है, फोटोग्राफी नहीं हो रही है, नहीं है, नहीं बायोमेट्रिक भी नहीं था, कुछ नहीं, और उसके बाद नहीं आधार कार्ड देखा जा रहा है, डायरेक्ट वोटर को वोट कुछ को दिया गया है, घुसाया गया है सीधे सीधे वोट। अच्छा। वहाँ कोई फोटोग्राफी नहीं हुआ, आधार कार्ड नहीं हुई थी, नहीं हुआ, पास चार्ज लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबा। आप क्या कहना चाहेंगे, वोट की गड़बड़ी की बात आ रही है, 104 वोट जो गायब की गड़बड़ी है, काउंटिंग की गड़बड़ी है, निश्चित तौर पर 104 वोट जिसका कि अभी तक मिलान नहीं हो पाया है, इसके प्रति चुनाव आयोग या सरकार यह पारदर्शिता दिखावे कि यह 104 वोट कहाँ गई है, यह मेरा अधिकार है, मैं मांग सकता हूँ और मेरा अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्या लग रहा है काउंटिंग में गड़बड़ी की सूचना मिल गई है? फुल गड़बड़ी हुआ सर। जैसे कैसे कह सकते हैं आप, तीन गो बूथ का विषय में चर्चा चल रही है कि 104 वोटों का मतलब गिनती ही नहीं हुआ। हाँ, वो सही नहीं हुआ है, सही में नहीं हुआ जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहने की रिकाउंटिंग करवावे, एनालिसिस पर पूरा जाँच बैठावे, पूरी जाँच हो जी, काउंटिंग की जाँच की बात की जा रही है। ठीक है, ठीक ठीक मैडम, आपको क्या लगता है? पूरा गड़बड़ी है सर इसमें, गड़बड़ी पूरा पूरा। हम लोग जब सर हम घूमे हैं अपने अथी में पंचायत में, हमको ऐसा लग रहा है, हमको लग रहा था कि हम एक तरफा वोट से जीतेंगे, लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, नहीं। मैं आपको प्रत्याशी के एक और परिवार के ही लोग हैं जो इस संबंध में शिकायत को लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी साहेबपुर कमाल पहुंचे थे। कहां गए, उनको भेजिए थोड़ा। हाँ, और बात करते हैं कि आप जब गए थे प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी से इस बात को शिकायत लेकर के, तो क्या कहा था उन्होंने? तो उसने बताया था कि जो पीठासीन पदाधिकारी हम लोगों को जो जमा किए वोट का, हाँ, वो अनुमानित रहता है। अच्छा जी, 7154 जो पोल हुआ है और वहाँ काउंट हुआ है 7050। अच्छा। 104 वोट का जो अंतर है, जो वो जो है ना, जो क्या कहते हैं, पीठासीन पदाधिकारी वाला अनुमानित रहता है और वहाँ जो मतलब कौन बोले, वीडियो साहब, वीडियो साहब बोले कि ये अनुमानित होता है, ये अनुमानित होता और है, और वहाँ जो काउंटिंग वो ईवीएम के द्वारा ईवीएम वही हिसाब से गड़बड़ी नहीं है उनका, ना उनके हिसाब से गड़बड़ी। और ये बोले 104 वोट का जो डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि 104 वोट आफिक होता, हम कहे जिनका भी होता किसी का तो होता 104 वोट। मामला हार और जीत का नहीं है, मामला लोगों के अधिकार मामला लोगों का अधिकार का। और दूसरे कि आगे की तैयारी कीजिए, जैसा होगा हेल्प करेंगे, समझिए। अच्छा, हेल्प करने की भी बात है, ठीक बात है। और हाँ बोलिए सर, कोई ऐसा जगह है सर कि सान्हा उत्तर का वोटिंग का पोलिंग का गिनती हो, यही को कर्मी लगाया जाए उसमें? बोलिए कभी पारदर्शिता होगा? यहाँ का जो कर्मी सान्हा उत्तर का कर्मी सान्हा उत्तर के वोटिंग में लगाया जाए, क्या कहीं से है अन्याय है कि नहीं सर, बोलिए। यहाँ को कर्मी यही का गिनती में तो होबे करे पक्षपात। डीएम साहब से मैं आग्रह करता हूँ, मैं भी नीतीश कुमार का खास लोग हैं, हाँ, उनके लिए मरते हैं जीते हैं, लेकिन ऐसा अन्याय नहीं कर कीजिए डीएम साहब, मैं सबसे आग्रह करता हूँ ऐसा अन्याय नहीं कीजिए। सलाह, रात दिन हम अपना खून पसीना बहा उनके लिए मरते हैं, आज कार्यकर्ता के साथ ऐसा धोखा, ऐसा अन्याय नीतीश कुमार के कर्मी को लगाएगा, यहाँ के सान्हा उत्तर के कर्मी को लगाएगा, यहीं के काउंटिंग में दोसर में देता, एकदम साफ मिली भगत है सर। इस पर विचार नहीं होगा तो मेरा आंदोलन होगा, जो होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ, नीतीश कुमार तक हिला दूंगा, समझे सर जी, जी। बहुत आक्रोश है जनता में, हम उतर जाएंगे, नहीं तो अभी भी इस पर एक्शन ले सरकार, नहीं तो बर्बाद करके रख देंगे, पूरा जनता उतर जाएंगे रोड पर, इतना अन्याय वो भी मेरे साथ, नीतीश कुमार के खास लोग के साथ, साला जो जानते रहता है उसको साथ देता है,
बोलिए कहीं संन्याय है कि नहीं, बोलिए तब। ये जो तीन वोट तीन बूथ की कहानी, तीन बूथ की कहानी नहीं सर, एक एक भी। अच्छा ये बताइए, बोलिए बोलिए सर, क्या सब मूर्खों की टोली बना के रखा है? चुप रहिए आप लोग। बोलिए सर, मूर्खों की टोली बना के रखा है जो अनुमानित करेगा? क्या भैंस चला के गया मास्टर बना, या भैंस चला के आया वहाँ का वीडियो सीओ जो कहेगा अनुमानित वोट? ये कौन बोलते हैं अनुमानित? अभी बोले हैं वहाँ, तब बोले हैं कि क्या भैंस चला के आया है जो अनुमानित करेगा? सर सब आप पढ़ लिख के एक एक पॉइंट पॉइंट पर आपको नजर रखना है, इसलिए ध्यान दे दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए अपने हक के लिए तैयार हैं मरने के लिए, पूरा जनता, समस्त साना उत्तर के जनता आज रो रही है जनता। इसलिए सर मैं आग्रह फिर से करता हूँ, इस पर लिया जाए एक्शन, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। लोग सड़कों पे आएंगे जी, एकदम आएंगे, एकदम हर हाल में। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि ये सनहा उत्तर में रिजल्ट आया है, और रिजल्ट से लोगों को ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, लोग इस बात को उठा रहे हैं कि हमने वोट दिया, हमारे वोट का गिनती क्यों नहीं हुआ, काउंटिंग क्यों नहीं हुआ। और जो अधिकारी हैं प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा, ये कहा जाना कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो लिस्ट आपको दिया गया है, वह लिस्ट में अनुमान लगाया जाता है, अनुमानित होता है। अगर अनुमान से ही काम चल जाता है तो फिर नॉमिनेशन के दिन भीड़ देख करके सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे दिया जाता है? आप भीड़ देख लीजिए, वोट गिराने की क्या जरूरत है? जिसका भीड़ ज्यादा होगा उसको सर्टिफिकेट आप दे दीजिए कि आप मुखिया बन गए, आप जिला पार्षद हो गए। चुनाव कराने की क्या आवश्यकता है? अगर लोगों के वोट की अहमियत नहीं है आपकी नजरों में, तो फिर चुनाव की भी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से हम इनके प्रतिनिधि के पास पहुंचेंगे। सर आपसे बात करना और हमको है, मुख्य आरोप आपका क्या है? मुख्य आरोप यही है कि यहाँ का जो कर्मी जो था, गांव का ही कर्मी, वहाँ ज़्यादा विजय कुमार सिंह ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था, और वो अपना मन मुताबिक सेटिंग करके उसके अंदर दिया, और वह जो है ईवीएम हमारे वोटिंग का मतगणना कार्यकर्ता के जाने से पहले सारा सील टूटा हुआ था। और ये काउंटिंग जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो लिस्ट आपको दी गई उसको बताया जाएगा अनुमानित, जो दिया गया उसको बताया गया कि अनुमानित। बिल्कुल ये सही बात है कि 104 वोट कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं को मिल जाता, वो वोट किसी अन्य का भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लोग जिस विश्वास के साथ अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं उसका हनन हुआ है, नागरिकों के अधिकार का हनन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा सर ये कहना है कि जैसे 73 नंबर बूथ हम लोग का है, तो तकरीबन 8:30 बजे हम वोट डालने के लिए, मैं अपना वोट डालने के लिए वहाँ गया, तो हम जो जियो टैग लेके जो बैठा हुआ था बायोमेट्रिक वाले, तो हम पूछे कि भैया कितना वोट गिरा है? तो वो ऐसे ऐसे करके बोला, क्या 100 कुछ समथिंग वोट बताया। तो हमारे पोलिंग एजेंट जो थे वहाँ पर, जो मौजूद पोलिंग एजेंट थे, वो बोले कि नहीं नहीं भैया, ये तो अभी आए हैं, इससे पहले भी बहुत सारा वोट गिर चुका है, तकरीबन 50 या 70 वोट का उस पोलिंग एजेंट हमको बताए, लगभग तकरीबन 50 या 60 वोट गिर चुका है। तो हम बोले अरे इतना लेट करके आया है, तो फिर बोला क्या नहीं एग्जैक्ट जो है प्रेजाइडिंग बता पाएंगे कि कितना वोट गिरा है। तो मेरा ये कहना है, राउंड फिगर में यही कहते हैं कि बायोमेट्रिक यहाँ दिखाया गया है 588 और एक्चुअल वोट हुआ है 638। जैसे कि मान लीजिए बायोमेट्रिक वाला किसी कारणवश तबीयत खराब हो जाए, नहीं आए, तो क्या मतलब बायोमेट्रिक के आश्रय हम चुनाव मतलब रिजल्ट का घोषणा करेंगे? वहाँ तो जितना बटन को हमने टिपा, जितना वोटर वहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उसका काउंटिंग होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे घपला हुआ है, 2-3 बूथ हम लोग भी आकलन किए हैं, उसमें बहुत व्यापक रूप से धांधली हुआ है, और हाथ जोड़ के जिलाधिकारी महोदय से हम नम्र निवेदन करते हैं कि तुरंत अविलंब संज्ञान मिले और इस पंचायत सना उत्तर का फिर से रिकाउंटिंग करें। और जनता में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मायूसी है, और आग्रह निवेदन यह है कि इसमें संज्ञान लेते हुए अविलंब इसका रिकाउंटिंग करके जनता को एक बढ़िया संदेश दे, चूँकि जिलाधिकारी हमारे जो हैं बहुत ही तरार अफसर की श्रेणी में उनका नाम पूरे बिहार में मशहूर है, और हम आशा करते हैं कि हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री अरविंद कुमार वर्मा जी इसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए जनता को संतुष्ट करने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये जो कहानी यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं कि जो वोट की गिनती को लेकर के आई है, ये पहली कहानी नहीं है। बेगूसराय में ये
चौथी घटना बताई जा रही है। पहली घटना जब मुख्तियारपुर पंचायत का चुनाव हुआ था और उसकी मतगणना हो रही थी, तो जिला पार्षद कैंडिडेट थे अनिल पासवान ने भी वोटों की गड़बड़ी की बात, काउंटिंग में गड़बड़ी की बात की शिकायत लेकर के जिलाधिकारी के समक्ष गए थे। दूसरी कटरमाला दक्षिणी में भी शिकायत मिली और उसमें भी अभी जाँच जारी है। आज भी वहाँ के लोग बहुत मायूस हैं कटरमाला दक्षिणी पंचायत में। उसके बाद आप डंडारी पंचायत में भी आएंगे तो वहाँ भी हमें ये जानकारी मिली कि मुकेश तांती के काउंटिंग में भी हेराफेरी की सूचना मिल रही थी। अब ये सनहा उत्तरी की बात भी सामने निकल करके आई है। तो इस तरीके से अगर चुनाव कराए जाते हैं तो लोगों का भरोसा आप कभी नहीं जीत पाएंगे। ये भरोसा और अधिकार के हनन का बात है। एक बार फिर से हम इन लोगों से बात करते हैं। अच्छा, आपके हाथ में ये पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिया गया हमारे पास जो ये लिस्ट है, इसमें जैसे कि दिख रहा है वार्ड नंबर 5 में जो है बूथ नंबर है 64, इसमें जो है टोटल वोट जो पोल हुआ है वो 529 हुआ, 529, और जो काउंटिंग में है वो 489 हुआ है। यहाँ पे जो है 40 वोट का एरर आ रहा है। उसके बाद जो हम चल रहे हैं वार्ड नंबर 11 में, 11 के 70 बूथ नंबर है 70A, इसमें भी जो है टोटल वोट पोल हुआ है ये 374 हुआ है, और जो काउंटिंग में आया वो रिजल्ट आया 360 का ही, तो इसमें यहाँ भी 14 वोट का एरर आया है। उसके बाद फिर अगले एक और बूथ पे हुआ, वार्ड नंबर 14 पे जो 73A है बूथ नंबर, यहाँ जो है 329 जो पोल हुआ है, लेकिन यहाँ रिजल्ट जो दिया गया है काउंटिंग में वो 279 का ही है। यहाँ भी जो है लगभग 60 वोट का अंतर है, 50 वोट का अंतर है, तो टोटल लगभग जो है ये 104 वोट का जो डिफरेंस आया है। ये काउंटिंग में ये कहाँ वोट गिरा है ये कुछ अता पता नहीं चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये धांधली श्योर हुई? ऑब्वियस सी बात है कि एक मतलब लेवल के बाद पीठासीन अधिकारी है, वीडियो लेवल का है, बीपीएससी के थ्रू होता है एग्जाम, तो ये अच्छे पढ़े लिखे होते हैं तो इनको इस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे इधर है, यहाँ पे जिलाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी को क्या कहना, यहाँ से है कि इस 3 बूथ का एटलीस्ट होनी तो चाहिए पूरे पंचायत के ही, लेकिन एटलीस्ट इस 3 बूथ पे जो इरर दिख रहा है सब जनता के सामने आया है ये सब इरर, ये तो काउंट होना ही चाहिए और इसको लिया जाए कि इस पे जायज कार्रवाई भी किया जाए। इसमें जो पोलिंग एजेंट जितने अभिकर्ता लोग शामिल थे उन पे भी पूछताछ और कार्रवाई होनी चाहिए, सब जांच होनी चाहिए इस चीज़ की। निश्चित रूप से लोग काफ़ी क्षोभ में हैं, काफ़ी दुखी हैं और निराश हैं, और साथ ही ये भी जिला प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इसकी जांच नहीं हुई, पूरे काउंटिंग व्यवस्था की जांच अगर नहीं हुई, उसकी सीसीटीवी फुटेज को नहीं खंगाला गया और इस तरीके की भ्रांतियाँ को दूर नहीं किया गया, तो लोग सड़कों पर आने के लिए बाध्य होंगे। हम सिर्फ इतना ही जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी से कहना चाहेंगे कि स्वच्छ मतदान कराना आपकी जिम्मेदारी होती है और लोगों के मत का बहुत मायने होता है। उनके मतों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को निश्चित ही जेल की सलाखों में कैद करने की आवश्यकता है। सर, वहाँ का जो है ना सीसी फुटेज मंगाया जाए और जो भी कर्मी को हमने जो मांगा था रिपोर्ट ईवीएम का, वो उठ करके टेबल पर से चले जाते थे। ये भी गलती करे थे, हम चिल्ला रहे थे सर यहाँ कहाँ गए, तो उधर भाग जाते थे, वहाँ पर फिर दोबारा वो नहीं आते थे। हम डीएम साहब से यही मांग करना चाहते हैं कि जो बूथ पर क्या कहते हैं उसको बायोमेट्रिक के आधार पर जिसकी गणना की गई है, बायोमेट्रिक कोई मेट्रिक नहीं है, किसी किसी बूथ पर बायोमेट्रिक यह भी नहीं है, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जितने मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है तो उसके आधार पर रिकाउंटिंग किया जाए। और मुझे आशा है कि हमारे डीएम साहब बिहार में बहुत ही तेज तर्रार अफसर की श्रेणी में इनका नाम मशहूर है, आदमी बहुत इज्जत से नाम लेते हैं, और इस जो हम लोग के साथ घटना घटा है इसका बहुत बढ़िया ढंग से बहुत त्वरित निदान कर पाएंगे। अब पूरा का पूरा आशा और विश्वास हमारे सर पर है। क्या दिक्कत हुई है? बहुत परेशानी हुई है काउंटिंग को लेकर। हाँ, काउंटिंग को लेकर के बहुत परेशानी हुआ। यहाँ नीचे से ऊपर तक का मैनेज था, यहाँ के प्रखंड शिक्षक ज्यादा करके मैनेज करके सब स्टाफ को, हमारे काउंटिंग एजेंट के जाने से पहले ईवीएम सारा खुला हुआ था, सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए और किस तरह से काउंटिंग हुआ या फुटेज हम लोगों को चाहिए, डीएम साहब को से अनुरोध है। अच्छा, 104 वोटों का जो अंतर है उसके विषय में क्या कहना है? उसको भी उसका भी जांच हो, जनता का मानव का अधिकार का हनन हुआ है,
मानव के अधिकार का हनन हुआ, उसकी जांच की मांग करते जांच की जाए। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे 104 वोटों के अंतर को लेकर के। नहीं, अंतर नहीं होना चाहिए। 104 वोट के अंतर का मतलब कुछ पदाधिकारी को शिकायत दिया गया तो बोले कि वो मैंने कुछ मैंने अनुमानित किया जाता। वही हमको हमारा मेरा ये कहना है कि अनुमानित क्या, आप पार के नया आए भैंस चरा का आज अनुमान लगाते हैं। अनुमान तो मेरे पूर्वज लगाते थे, लेकिन आज आप शिक्षित हैं तो अनुमान लगाते हैं और सना उत्तर के कर्मी को सना उत्तर के काउंटिंग में लगाते हैं। ये कहाँ की मैंने है परंपरा, ये बताइए। हम इससे मैंने कहना ये चाहते हैं इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। डीएम साहब से मैं अपील हमेशा करता रहूंगा, मैं आपका आदमी हूँ डीएम साहब, या ना कि दूसरे का आदमी हूँ। रात दिन हम आपके लिए मरते हैं, लेकिन यहाँ मेरे साथ अन्याय हो रहा है। थोड़ा न्याय का कुछ सोचिए। हम जानते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जांच प्रिपेयर किए हैं यहाँ पे, हम उसके अनुसार बताना चाहेंगे। ठीक ना, आप इसको एक बार इस पे नजर दीजिएगा। जो हमारा यहाँ टोटल वोटिंग हुआ है वो हमारा बूथ नंबर 64 पे 529 हुआ है, लेकिन जब पार्टीशन किया गया हमारे कैंडिडेट में देन 489 ही हो रहा है। तो हम पूछना चाह रहे हैं यहाँ से 40 वोट जो है वो आप कहाँ लेके चले गए, काउंट क्यों नहीं किए हैं उसको। एंड और हम बता रहे हैं आपको 73A आई थिंक, या हाँ 73A में टोटल आपका 329 हो रहा है, तो वहाँ पे आप 279 ही पार्टीशन किए हैं हमारे चारों कैंडिडेट में। तो यहाँ पे 50 वोट आपका कहाँ चला गया। देन ये कॉन्सिडेंस हम मानते हैं 70A में, क्योंकि मेल एंड फीमेल का जो सेम आ रहा है वोटिंग, वो कॉन्सिडेंस हो सकता है, हम उस पर एग्री करते हैं। लेकिन आप जो ऑफिशियल रिलीज किए हैं इसको, ये आपका मुझे गलत लग रहा है। सो इस पर आप देखिए और इस पर ध्यान दीजिए। हमारे प्रतिनिधि जो है उनकी जीत तो हम लोग मानते हैं एज ए ऑफिशियल, और हम जब इस पे नजर डालते हैं इसके अनुसार हमारे प्रतिनिधि की जीत पूरी पक्की है।